यूपीए काल में हुए कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के नेता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े बड़े घोटाले हुए थे, उन्हीं में से एक कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का मामला था और इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल जेल और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कंपनी मैसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी अदालत ने मामले में 4 साल जेल और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। दिल्ली की विशेष अदालत ने मामले में एक अन्य दोषी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल के जेल की सजा दी है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हवाला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही। अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत आना होता था। दोषियों के वकील ने कहा था कि गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। अगर वे उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये उनकी गलती है। उन्होंने कहा कि सभी कोल ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगर वे लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्थिति आज कुछ और होती। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया और कंपनी मैसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, News of India.